हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री अगेन। ये आपके लिए होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सेकंड क्लास और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे थे कि स्पेक्ट्रम क्या है और उससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझ रहे थे और कैसे और क्यों ये स्पेक्ट्रम आता है इसको भी डिस्कशन किए। हम बोल रहे थे कि एक न्यूक्लियस अगर ये है और ये एक ऑर्बिट है और ऐसे करके ढेर सारे सेल और ऑर्बिट हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन जो इधर है उसको अगर इस ऑर्बिट को जाना है तो इसको एनर्जी ऑब्जर्व करना होता है। तो कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, डेल ई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी ऑब्जॉर्ब्ड। And that del E is nothing but, if this is the initial orbit, then the energy of initial orbit will be written as EI. अगर ये first orbit है, first orbit का energy को हम denote करेंगे EI symbol से। और इधर से इधर तक जाना है, अगर ये हमारे लिए final orbit है, इसका energy को हम लिखेंगे EF. एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर तक जाना है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट और इस सेल से इस सेल को जाना है, तो उसको डेल ई अमाउंट का एनर्जी ऑब्जर्व करना होगा। एंड ये एनर्जी क्या हो रहा था माय डियर फ्रेंड्स, वी डिस्कस्ड देयर, ईएफ माइनस ईआई, फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी माइनस इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी। ये ऑर्बिट में जितना एनर्जी आता है हमको फॉर्मूला पता है कैसे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। बोर्स पोस्टुलेट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसका एनर्जी क्या होगा, ई एन इज इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सो सिमिलरली इसका भी एनर्जी हम डिटरमिन कर सकते हैं। फिर दो एनर्जी सेल्स का एनर्जी का डिफरेंस, फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस जितना है, उतना ही एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा वो फाइनल ऑर्बिट को जंप कर जाएगा। और इधर से शुरू होता था कि हायर सेल में एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये कोई भी लोअर ऑर्बिट को रिटर्न कर सकता है। जब एक हायर सेल से इलेक्ट्रॉन लोअर सेल को आता है तो उसको एनर्जी एमिट करना पड़ता है, वो एनर्जी जो एमिट हुआ उसको हम लाइट के रूप में देखते हैं और एक लाइन्स आता है जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर जो लाइन्स आता है, उस लाइन के हिसाब से केमिस्ट जो उसको डिस्कवर किए उसके हिसाब से हम बोल रहे थे लाइमेन सीरीज बामर सीरीज बास्केट ब्रैकेट फॉन्ड हम्फ्री लाइक दिस। लाइमेन सीरीज में कुछ लाइंस आते थे, बामर सीरीज में भी कुछ लाइंस आते थे। ये लाइंस क्यों आता था, लाइंस इसीलिए आता था कि कौन सा एनर्जी सेल को इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करता है। और जब लाइमेन सीरीज के बात हम बोल रहे थे कि एनी हायर सेल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट को आ जाता है जंप डाउन करके, तो ये वाला जो सब एनर्जी एमिट होता है ईच एनर्जी जो एमिट होता है हर एक एमिशन ऑफ एनर्जी के लिए एक लाइन मिलता है जिसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ये एन इज इक्वल टू वन था, एनी हायर सेल से जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है फर्स्ट ऑर्बिट को, ये जो लाइंस बनाते हैं ये एनर्जी हमको किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइमेन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हम डिस्कशन किए थे इसका जो प्रीवियस क्लास में। अभी एनर्जी अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया तो इधर तक आ जाएगा, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना ऑब्जर्व करना है डेली। एंड हमको ऑल्सो पता है जो एनर्जी है ई और डेली, ई इज नथिंग बट द एनर्जी, नो डेल डेल्टा, वाई वी आर राइटिंग डेल्टा ई, क्योंकि वो एक डिफरेंस होता है एनर्जी और डिफरेंस एनर्जी
वो एनर्जी ही होते हैं। यानी E इज इक्वल टू डेली इज इक्वल टू, अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी एक एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगा, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑब्जर्व होगा और वो जंप कर जाएगा फाइनल ऑर्बिट को। तो ये एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी न्यू के जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एच सी बाई लैम्डा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट मी चेंज द मार्कर। E इज इक्वल टू डेल E इज इक्वल एच न्यू एच सी बाई लैम्डा, यानी ये भी डेल E है, ये दोनों डेल E है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम होगा, तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई आई। और बोर्स पोस्टुलेट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका एनर्जी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा था माइनस के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यानी फाइनल ऑर्बिट एन एफ, ये फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी। तो फाइनल ऑर्बिट क्या हम लिखेंगे, इस ऑर्बिट को क्या लिखेंगे एन एफ, इस ऑर्बिट को क्या लिखेंगे इनिशियल ऑर्बिट एन आई, ठीक है। सो ये एन एफ होता है फाइनल ऑर्बिट, ठीक उसी तरह एन आई होता है इनिशियल ऑर्बिट। सो फॉर्मूला है, अगर ये फाइनल ऑर्बिट का एनर्जी है, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिखते थे, ये फाइनल ऑर्बिट एन एफ है, तो एन एफ एन एफ का स्क्वायर है, माइनस ऑफ माइनस के जेड स्क्वायर बाई एन आई स्क्वायर, ठीक है। ये फिगर आपके पास है, मैं इसको इरेज कर लूँ अभी। सो माई डियर फ्रेंड्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस आता है इसलिए इसको हम पहले लिख लेंगे, तो इम्प्लाइज हमारे प्लस हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया एच सी बाई लामड़ा, एच सी बाई लामड़ा इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप पहले लिख लेते हैं के जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये नेक्स्ट लिखते हैं माइनस के जेड स्क्वायर बाई, ये है एन आई स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई ये है एन एफ स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हम क्या कॉमन ले लेंगे, के जेड स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ये बनता है हमारे लिए के एच सी बाई लामड़ा, के जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये रह जाता है वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर। ये एच एंड सी को इधर ले आएंगे तो हमको मिलेगा वन बाई लामड़ा इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाई एच सी इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर, राइट। सो माई डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे, ये जो वन बाई लामड़ा है, इसको हमको पता है कि वन बाई लामड़ा इज नथिंग बट वेव नंबर, यानी या तो हम वेवलेंथ से एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी से, या फिर वेव नंबर से, यानी वन बाई लामड़ा इज नथिंग बट, फाइनली हमको क्या मिलता है एनर्जी, ये जो वन बाई लामड़ा है इसको लिखेंगे माई डियर फ्रेंड्स, इसको हम लिखेंगे न्यू बार, न्यू बार इज नथिंग बट व्हाट, दिस वन बाई लामड़ा, दैट इज नथिंग बट के जेड स्क्वायर बाई एच सी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये लाइट का वेलोसिटी है कांस्टेंट, एच प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट, के एक कांस्टेंट, जेड स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है, जेड स्क्वायर क्या होता है, आटम का एटॉमिक नंबर होता है। माई डियर फ्रेंड्स, ये के बाई एच सी को अगर हम एक कंस्टांट करके लिखेंगे आर एच, एंड रह जाएगा जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर, हमारे लिए ये होता है फाइनल फॉर्मूला फॉर एनी ऑफ द लाइन ऑब्टेंड ऑफ एनी सीरीज, लाइन एन सीरीज का कोई भी लाइन, इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे चलेंगे, क्या है लाइन, क्या है कैसे ये, इसका जरूरत क्या है, ये फॉर्मूला कैसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए फिलहाल फॉर्मूला हमको मिल चुका है न्यू बार इज इक्वल टू वन बाई लामड़ा, वन बाई लामड़ा आर एच जेड स्क्वायर, ये आर एच क्या है, रिडबर्ज कॉन्स्टांट, रिडबर्ज कॉन्स्टांट, क्योंकि ये क्या है, ये इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू रिडबर्ज कॉन्स्टांट, जो है किसके लिए हम सब्स्टिट्यूट किए हैं, के बाई एच सी इज इक्वल टू आर एच, रिडबर्ज कॉन्स्टांट, और इसको बोलते हैं रिडबर्ज फॉर्मूला।
रेड बॉक्स इक्वेशन और रेड बॉक्स फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है कि किसी भी एक लाइन का एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेव नंबर डिटरमिन करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, इसको तो हमको लिख लेना है, ये डेरिवेशन है, अभी बस इसको लिख रख लेंगे और हम प्रॉब्लम्स के ओर चलेंगे। अभी इसका जो वैल्यू है, वन अनदर थिंग, ये जो रेडबर्ज कॉन्स्टेंट है ना, इसका वैल्यू है 1.0973 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, सो अभी चलेंगे, इस साइड को हम इरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं ये फॉर्मूला किसके लिए जरूरी है और किधर हम यूज कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं कि हमको पता है ये फर्स्ट ऑर्बिट का नोटेशन NI, NF होता है सेकंड ऑर्बिट, RH एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये है, न्यू बार मींस व्हाट इज न्यू बार, हम इसको बोलते हैं वेव नंबर, क्या बोलते हैं इसको, वेव नंबर। ठीक है, तो सीधा सीधा हम चलेंगे, ये जो फॉर्मूला हमको दे रहा है, ये फॉर्मूला को लेके एक न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारा आइडिया पूरा आ जाएगा। इससे पहले अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम हाइड्रोजन के लिए ये मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या होगा, फॉर हाइड्रोजन जेड इज इक्वल टू वन, सो ये न्यू बार क्या हो जाता है, न्यू बार इज इक्वल टू वन बाई लामड़ा, ये जेड के जगह, जेड के प्लेस में हम एक वन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा RH इंटू वन बाई NI स्क्वायर माइनस वन बाई NF स्क्वायर। ये NI NF क्या होता है, फाइनल ऑर्बिट इनिशियल ऑर्बिट, यानी डिफरेंट सीरीज में डिफरेंट NI एंड NF होते हैं। इसका मतलब ये है, अभी अभी बोल रहे थे कि लाइमान सीरीज में, लाइमान सीरीज कैसे बनता है, सीरीज मतलब सीरीज ऑफ लाइंस, और हर एक लाइन क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि हर एक लाइन रिप्रेजेंट करता है एक ट्रांजिशन को, वेदर वो किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट को आया है, हर एक ये जो ट्रांजिशन है किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक एक लाइन क्रिएट करता है। एंड लाइमान सीरीज में एनी हायर सेल, कुछ भी हायर सेल से इलेक्ट्रॉन को किधर आना पड़ता है, n इज इक्वल टू वन यानी फर्स्ट ऑर्बिट के सेल, यानी इसका इनिशियल ऑर्बिट हमेशा वन होता है, एंड एनी हायर सेल से लौटेगा और रिटर्न करेगा 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, राइट। लाइमान सीरीज के लिए ये होता है, और देन आएंगे बामर सीरीज, देन आएंगे बामर सीरीज, इधर इसका फर्स्ट ऑर्बिट यानी इनिशियल ऑर्बिट 2 होता है एंड फाइनल ऑर्बिट 3, 4, 5, 6 लाइक दिस एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है लाइमान सीरीज, बामर सीरीज, इसके बाद जो आता है पास्केल, पास्केल के लिए इनिशियल ऑर्बिट हो जाएगा 3 एंड फाइनल ऑर्बिट किधर से, 2 से 2 तक आज आ पाएगा क्या, अगर NI 2 है, NF होगा एनी हायर सेल 3, 4, 5, 6 किसके लिए, बामर, पास्केल में आएगा NI इज इक्वल टू 3, NF इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 डिड यू गेट मी, लाइक दिस। सो NI NF ये होता है, समझ में आ गया बात। अभी हम क्या करेंगे, ये हाँ, और एक बात जो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि ये जो ढेर सारे सीरीज है उनमें से कौन सा विजिबल रीजन में आता है, ये जो वेवलेंथ रिप्रेजेंट होता है बामर सीरीज में, वो पूरा का पूरा बामर सीरीज आता है विजिबल रीजन में, जैसे होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उधर नहीं जाएंगे फिर भी आप याद कर लीजिए विजिबल रीजन, ज़्यादा आपको ज़रूरी हो इसके बारे में तो हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। एनीवे, सो लाइमान सीरीज, बामर सीरीज, पास्कल ब्रैकेट, फॉन हम्फ्री के लिए NI एंड NF क्या होगा तो आपको पता चल गया। हाँ, और एक बात कि इसका तो लाइमान सीरीज में क्या होता है, हम बोल रहे थे ना अगर कुछ लाइन्स ऐसे आता है, आते थे, ये होता है लाइमान सीरीज, फिर कुछ गैप रहता था, फिर कुछ क्लोजली पैक्ड लाइन्स, फिर ये होता था बामर सीरीज, ये होता था लाइमान सीरीज, ये होता था बामर सीरीज, फिर कुछ क्या आता था,
गैप आता था, फिर कुछ कंटिन्यूस लाइनें से फिर ये आता है वामर सीरीज, पास्केन सीरीज ऐसे आता था। और इसको अगर ऐसे करके देखेंगे, सीधा करके देखेंगे, तो सीधा करके देखेंगे तो लाइमेन वामर पास्केन ब्रैकेट ऐसे करके इधर से इधर तक हम लाइन्स को अरेंज कर सकते हैं। जो भी हो, हर एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन को, यानी किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट को आया है, इसको रिप्रेजेंट करता है। बार बार मैं बोल रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे कि इसका अगर लाइमेन सीरीज का, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, लाइमेन सीरीज का फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन अगर हम बोलेंगे, फर्स्ट लाइन जिसको बोलते हैं अल्फा लाइन, अभी ये क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स कि इसके लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन है, Ni इज इक्वल टू 1 एंड Nf इज इक्वल टू 2, यानी ये होता है Ni इज इक्वल टू 1 इनिशियल ऑर्बिट, और फर्स्ट लाइन जो किधर से किधर तक आता है, 2 से 1 ऑर्बिट को, यानी L सेल से K सेल को जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है, ये वाला एनर्जी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लाइन और अल्फा लाइन, अल्फा लाइमेन, एल अल्फा करके लिखते हैं, एल अल्फा, ठीक है। सो अभी अगर सेकंड लाइन बोलेंगे लाइमेन सीरीज के लिए, तो एनआई तो हमेशा एक रहेगा, सेकंड लाइन किसके लिए आएगा, एनआई इज इक्वल टू 1 एनएफ इज इक्वल टू 3। सो अगर ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन के लिए क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड लाइन के लिए आएगा, सेकंड लाइन के लिए आएगा एनआई इज इक्वल टू 1 हमेशा लाइमेन सीरीज के लिए, एनएफ आ जाएगा 3, ठीक है। यानी अगर ये n इज इक्वल टू 3 है, ये होता है वो, ये होता है वही ट्रांजिशन जिस ट्रांजिशन 3 से 1 के लिए एक लाइन आता है, ये होता है सेकंड लाइन, ठीक करके ऐसे करके कुछ भी लास्ट ऑर्बिट मान, मतलब हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी ऑर्बिट से लौटना, रिटर्न करना, ठीक है। एनीवे ये हमारा आइडिया आ गया फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन बामर सीरीज के लिए। अगर मैं बामर सीरीज के लिए लिखता फर्स्ट लाइन, बामर सीरीज के लिए एनआई हमेशा क्या है 2, तो फर्स्ट लाइन के लिए एनएफ इक्वल क्या होगा 3। बामर सीरीज का सेकंड लाइन का एनआई एनएफ कितना होगा माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये है एनआई हमेशा के लिए 2 बामर सीरीज के लिए, एंड फर्स्ट लाइन के लिए सॉरी सेकंड लाइन के लिए एनएफ इक्वल 4 हो जाएगा। आर यू क्लियर? अभी हम एक प्रॉब्लम्स लेंगे हाइड्रोजन के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है आपके लिए क्वेश्चन कि हाइड्रोजन आटम का लाइमेन सीरीज का शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या है, कैसे हम डिटरमिन करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी अगर हमारे लिए ये 1/λ ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यूज करके इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमारे अब क्या करेंगे, अगर 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 हमारे लिए फॉर्मूला है 1/λ आर एच 1/ni² 1/nf² फर्स्ट थिंग है कि अगर हम ये देखेंगे कि 1/λ एक वैल्यू है, अगर मैं लिखता हूँ और एक बार 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/ni² माइनस 1/nf², ठीक है। सो 1/λ को अगर हमको मिनिमम करना है, तो ये 1/λ अगर मिनिमम होता है, लामड़ा मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम होने से 1/λ मिनिमम हो जाएगा। अभी ये तो कंस्टेंट है, 1/λ को मिनिमम करने के लिए पूरा ये जो 1/nf² को बड़ा करना है, सबसे बड़ा करना है, यानी ये जितना बड़ा होगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद उतना छोटा वैल्यू मिलेगा 1/λ को, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। इसलिए हम लिखे हैं इफ़ 1/λ इज मिनिमम, लामड़ा इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये लामड़ा को मैक्सिमम करने के लिए या फिर 1/λ को मिनिमम करने के लिए 1/nf² शुड बी हायर। इफ 1/nf² शुड बी हायर, देन माय डियर फ्रेंड nf² शुड बी लोअर, ठीक है। ये लामड़ा इज इक्वल टू मैक्सिमम यार, यानी लॉन्गेस्ट के बाद हम बोल रहे हैं, तो इफ nf² शुड बी लोअर, nf शुड बी लोअर, मतलब सबसे छोटा फाइनल ऑर्बिट लाइमेन सीरीज के लिए सबसे छोटा फाइनल ऑर्बिट है 2, इंप्लाइज nf इज इक्वल टू 2,
ओके, इम्प्लाइज एन एफ इज इक्वल टू माई डियर फ्रेंड्स एन एफ इज इक्वल टू टू। सो अभी हम क्या करेंगे, ये टू को लेके इधर डालेंगे तो हमारे लिए क्या आएगा माई डियर फ्रेंड्स, ये आता है वन बाई लैम्डा, ये आता है आर एच, आर एच का वैल्यू हमको पता है, हम डाल देंगे 1.0973 इंटू 10^7 इंटू 1/ni² ये तो हमेशा एक होता है लाइमेन सीरीज के लिए, लाइमेन सीरीज के लिए ni हमेशा 1 होता है। सो इसके लिए अभी 1/λ को मिनिमम यानी लैम्डा को लॉन्गेस्ट करने के लिए ये होता है एड के जगह हम 2 पुट करेंगे, सो 2 का स्क्वायर आएगा 4, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा लैम्डा लॉन्गेस्ट आ जाएगा। समझ में आया मेरा बात, पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, लैम्डा लॉन्गेस्ट था, अगर इसको शॉर्टेस्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए डिटरमिन करना है, तो अगर हमको लैम्डा को शॉर्टेस्ट निकालना है तो अगर लैम्डा को शॉर्टेस्ट डिटरमिन करना है, ये शॉर्टेस्ट होगा तो 1/λ हो जाएगा मैक्सिमम, 1/λ बनेगा मैक्सिमम। से 1/λ को मैक्सिमम करने, ये वैल्यू को मैक्सिमम करने के लिए ये जो सब्ट्रैक्शन वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए, 1/nf² शुड बी लोअर यानी शुड बी हायर, ये अभी चलेगा, should be higher, nf should be higher, यानी higher value, highest value, higher means highest, should be highest, okay, so highest मतलब should be equal to infinity, क्योंकि 1/∞ सबसे छोटा वैल्यू आएगा जिसको जीरो हो जाएगा 1/∞, तो इसका वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। सो एनएफ का अगर डाल लेंगे इन्फिनिटी, सो ये हो जाएगा 1/∞, यानी सिंपल सा क्या हो गया, जीरो। फिर आप लैम्डा ये था क्या करने के लिए, लॉन्गेस्ट के लिए था, अभी ये किसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा शॉर्टेस्ट आ जाएगा। सो ओके माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेके और सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स है, इसको भी आपको दे दिया जाएगा असाइनमेंट के तहत, आप इसको सॉल्व कर लेना, और कोई भी डाउट होगा ग्रुप में पूछना। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।